आज हम बात करेंगे BDSM के बारे में। BDSM सेक्स क्या होता है? BDSM मतलब बॉन्डेज, डोमिनेंस, सैडिज्म, मैजोचिज्म। ये सेक्स क्या होता है? तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बी मतलब बॉन्डेज। ये बॉन्डेज का जो सेक्स है वो क्या होता है? देखो, पहले तो ये एक एबनॉर्मल सेक्स है। एबनॉर्मल सेक्स इन द सेंस कि इसमें एक पार्टनर को बांधे जाता है। वो रस्सी से बांधो, चेन से बांधो, उसके पैर बांधो, उसके हाथ बांधो, या उसका पूरा बॉडी लपेट दो, बांध डालो, वो बॉडी को बांधो या चेन से बेड को बांधो, कुछ भी कैसा भी करके बांधना है, बॉन्डेज करना है। हैंडकफ्स कर देते हैं या पैर को बांध देते हैं, तो ऐसा बांध देते हैं और बाद में सेक्स करते हैं। तो इसमें एग्रीड अपॉन है लोगों को कि भाई कंसेंट है पार्टनर की कि ठीक है मुझे चलता है और मैं एंजॉय करती हूँ या मैं एंजॉय करता हूँ। यदि आदमी को बांध दिया, पुरुष को बांध दिया, तो दोनों की कंसेंट है, सामने वाले पार्टी को, दोनों को भी बहुत एंजॉयमेंट उसमें लगती है और दोनों बहुत एंजॉय करते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें पहले से टर्म्स डिसाइड है कि समझो बॉन्डेज तोड़ दिया या खोल दिया तो पनिशमेंट दी जाती है सामने वाले पार्टनर को। पनिशमेंट इन द सेंस कि उसके बाल खींचे गए या उसको कुछ कट कर दिया, उसको मारा, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ पनिशमेंट दी जाती है। अदरवाइज एक बार डिसाइड हो गया कि बॉन्डेज है और सेक्स करना है तो बॉन्डेज तोड़ना नहीं है। ये वीडियो आपके लिए, समझो आप खुद बॉन्डेज नहीं करते होंगे मगर आप बॉन्डेज के पॉर्न देखते होंगे, बॉन्डेज फैंटासाइज करते होंगे, तो जरूर ये वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा BDSM होता क्या है। तो इसमें दोनों की कंसेंट होना बहुत जरूरी है बॉन्डेज में। फिर दूसरा होता है डोमिनेंस। डोमिनेंस में क्या होता है कि एक पार्टनर जो है वो डोमिनेट करते रहता है, मतलब एक पार्टनर जस्ट पड़े रहेगा और दूसरा पार्टनर उसके ऊपर जितना डोमिनेट करेगा, जितना जोर जबरदस्ती करेगा, अलग तरीके से करेगा, वो देखेगा नहीं कि सामने वाले बड़े को एंजॉय हो रहा नहीं हो रहा है, सिर्फ वो अपनी देखेगा और वो डोमिनेट करके चाहे जैसा वो सेक्स कर सकता है। अब वो स्त्री भी डोमिनेट कर सकती है पुरुष के ऊपर, तो पुरुष रेसेसिव है और स्त्री डोमिनेट कर रही है, डोमिनेंस कर रही है, या स्त्री रेसेसिव है और पुरुष डोमिनेट या डोमिनेट कर रहा है, दोनों भी संभव है। तो इसमें कभी कभी पुरुष जो चाहते हैं कि नहीं स्त्री ने मेरे ऊपर डोमिनेट करना चाहिए, तो कोई मिस्ट्रेस को हायर कर सकते हैं, पैसा देते हैं और वो ऐसी लेडी होती है कि जो डोमिनेट करके सेक्स करवा लेती है, तो उसमें उनको बहुत मज़ा आता है। इसमें लोग बहुत पैसा भी खर्च कर देते हैं, ऐसी लेडीज़ जो है वो मिलती है कि जो इस तरह का सेक्स करने में तैयार हो, या ऐसी लेडीज़ होती है कि जो इस तरह का सेक्स करने देती है। तो ये हो गया डोमिनेंस का, बॉन्डेज डोमिनेंस। फिर होता है सैडिज्म। सैडिज्म का मतलब होता है कि सामने वाले पार्टनर को दर्द देना और दर्द देके खुद को एंजॉय कर लेना, खुद को एंजॉयमेंट उसमें आता है। सामने वाले बॉडी को, मतलब पार्टनर को, स्त्री या पुरुष दोनों भी सैडिस्ट हो सकते हैं। दर्द देना, मारना, चुभाना, बाइट करना, मतलब कैसा भी करके दर्द देना है, बाल खींचने का है। कुछ लोग ऐसे मारते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से और उनको बहुत मज़ा आता है, तो वो एक तो लेडी मार खा लेती है क्योंकि उसको कोई चारा नहीं है, या वो भी एंजॉय करती होंगी तो वो हाँ बोलती है। मगर ये यदि दोनों के कंसेंट से होता है तो ठीक है, दोनों के कंसेंट से नहीं है, राजी नहीं है दोनों में, दोनों भी, तो ये रेप हो जाएगा या ये लीगली अलाउड नहीं है। फिर होता है मैसोचिज्म। मैसोचिज्म मतलब खुद के ऊपर दर्द करवा के लेना, खुद के ऊपर दर्द करवा के लेना और उसमें एंजॉयमेंट लेना, मैसोचिस्ट बोलते हैं उसको, कि भाई खुद को, मतलब स्त्री जो है वो पुरुष को मारेगी तो स्त्री जो है वो एंजॉय करती है, पुरुष खुद को मार लेगा, खुद को मार के दर्द सहन करेगा और फिर सेक्स करेगा। स्त्री भी ऐसा करती है कि खुद को मारेगी, दर्द सहन करेगी और फिर एंजॉय कर लेगी, खुद को काटेगी, मारेगी, जो भी कुछ करना है वो करेगी। मतलब मैसोचिस्ट जो रहता है उसको खुद को दर्द लेने के बाद में ही सेक्स का मज़ा आता है। सैडिस्ट को दूसरे पार्टनर को दर्द देने के बाद में सेक्स में मज़ा आता है। तो ये SM है, सैडिस्ट एंड मैसोचिस्ट। और जैसा डी बताया मैंने, डोमिनेंस एंड रिसेसिव, और बी बताया बॉन्डेज, कि भाई बांध के सेक्स करने का है। तो ये चारों भी जो है वो एबनॉर्मल सेक्स हैं एक प्रकार के। इसमें राजी होना दोनों पार्टनर ने जरूरी है। यदि एक पार्टनर राजी नहीं है तो प्रॉब्लम वाला कार्यक्रम हो सकता है, कोई कंप्लेंट हो गई तो लीगली अलाउड नहीं है। मगर यदि आप फैंटासाइज करते हो, आप ऐसे इस तरह के पॉन्स देखते हो, आपको ऐसा सेक्स करने में मज़ा आ रहा है, तो डेफिनेटली आप इस तरह का सेक्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है,
वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।